सभी लोगों ने सपोर्ट किया इंडस्ट्री ने, लेकिन जितना एक्टिवली सुरेंद्र जी ने सपोर्ट किया तो उसके लिए जितना भी धन्यवाद है इनका करूंगा मैं। और थोड़ी सी और बात करेंगे, समय की लिमिटेशन को देखते हुए चाहूंगा कि हम सीधे प्रेजेंटेशन पे चले, बहुत ज्यादा कहानियां चल रही हैं। प्रेजेंटेशन, थैंक यू। ओके, तो अगेन जैसा सर ने बताया, नाम कमल कांत वशिष्ठ है और हिमाचल प्रदेश में एक बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, और मैं खूबसूरत बोल रहा हूँ, डायनेमिक यूनिवर्सिटी है, रिसर्च सेंटर्ड यूनिवर्सिटी है। रिसर्च में ऑल ओवर इंडिया अभी एक रैंकिंग होती है जिनको बोलते हैं टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग। तो टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के हिसाब से हिंदुस्तान में वो नंबर वन प्राइवेट यूनिवर्सिटी कंसिडर की गई है, राइट। और यह आपको ऐसे छोटी बात लग रही होगी क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि यार नंबर वन हो गया, नंबर टू, कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन 13 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, उसने सारे IITs को, IIMs को, सबको पीछे छोड़ा है, राइट। और एक बहुत बड़ी बात है, रिसर्च के अंदर हम बात कर रहे हैं। और उसी यूनिवर्सिटी में हमने एक डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स स्टार्ट किया था, मैं आपको बताऊंगा। सेंटसा हम इसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग इन अकेडमिक्स। अकेडमिक्स में क्यों लेके आए ये भी हम बात करेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपने तरीके का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो कि पूरे एशिया में कहीं भी और नहीं है, सिर्फ हमसे पहले सिर्फ USA में एक था, डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन फाउंडेशन उसको बोलते हैं। उसके बाद जो सेकंड रिसर्च सेंटर है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, सिर्फ शूली यूनिवर्सिटी के अंदर। सेंसर से प्लेस को स्टार्ट किया 2020 में, अपने इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी हम क्या बात करेंगे, ये जो अगले 6-7 मिनट है, थोड़ा सा मैं आपको सेंसा और PGDDS पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों मैंने सोचा कि डायरेक्ट सेलिंग को अकेडमिक्स में लेके आए। हमारे सभी के सभी जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है सबके पास बहुत अच्छे एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन मुझे ये क्या लगा कि इसको अकेडमिक्स में, फॉर्मल एजुकेशन में हम क्यों लेके आए, वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर करूंगा। क्या क्या चैलेंजेस आए इस डिप्लोमा में और क्या मुझे लगता है कि क्या सोल्यूशन उसके हो सकते हैं, ये आपके साथ शेयर करूंगा। और थोड़ा सा कॉन्टैक्ट डिटेल्स यूनिवर्सिटी के शेयर करूंगा आपके साथ। नेक्स्ट स्लाइड। अभी तक का सफर कैसा रहा, तो अभी तक का सफर ऐसा रहा कि 2002 में मैं डायरेक्ट सेलिंग के साथ थोड़ा संपर्क में आया, और उसके बाद मैंने 15 साल एक अच्छी कंपनी के साथ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बिल्ड किया, लेकिन उस लेवल तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया जहां तक होना चाहिए, राइट। 50-60 हजार रुपए की इनकम थी, लेकिन मुझे लगता था मैं ज्यादा रिजर्व करता हूँ, हमेशा से टॉपर रहा था। बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कोई अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात है या कुछ अपनी बढ़ाई कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सो दैट यू कैन टेक अ पर्सपेक्टिव, राइट। कोई भी काम किया उसमें हमेशा टॉप किया, कोई भी एग्जाम दिया उसको हमेशा क्लियर किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। एजुकेशन जब अकेडमिक्स में आया लोग बोलते थे UGC नेट बड़ा, नेट क्लियर करना मुश्किल है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, जिस भी चीज में हाथ डाला हमेशा सक्सेसफुल हुआ। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जब आया तो डायरेक्ट सेलिंग में उस लेवल तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया जहां तक होना चाहिए था, तो मुझे ये समझ में आया कि यार कुछ कारण तो है। और उसमें सबसे पहला कारण मुझे ये समझ में आता था कि परसेप्शन लोगों की बड़ी थोड़ी सी पुअर परसेप्शन है, राइट। लोगों की परसेप्शन थोड़ी सी पुअर थी डायरेक्ट सेलिंग में। आज सुबह भी यहां पर आप बात कर रहे थे कि लोग डायरेक्ट सेलर होना, वो ज्यादातर आपको शेयर वाले डायरेक्ट सेलर नहीं मिलते हैं, ज्यादातर आपको चूहिया वाले डायरेक्ट सेलर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, वो पूछता है कोई कि आप क्या करते हो, तो कोई जो थोड़ा सक्सेसफुल होता है वो तो थोड़ा पोस्चर के साथ बता देता है, बाकी दूसरा बोलता है सर कुछ कर रहे हैं, और भी बहुत कॉन्फिडेंस कभी नहीं रहता लोगों के। वो क्यों नहीं रहता, क्योंकि सामाजिक मान्यता जिसको हम बोलते हैं, सोशल एक्सेप्टेंस, वो शायद उस लेवल तक अभी नहीं मिली है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और मुझे ये समझ में आता था कि यार अकेडमिक्स में अगर आ जाएगा, जो भी चीज अकेडमिक्स में आ जाती है, जो भी चीज स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ाई जाने लगती है, उसको सोशल मान्यता, सोशल एक्सेप्टेंस अपने आप मिल जाती है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि एक व्यक्ति है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रोफेशंस, एक व्यक्ति है जिसने सातवीं, छठी सातवीं पास करके अपने घर से भाग गया और किसी मैकेनिक के पास उसने अपना काम शुरू कर दिया, मैकेनिक का, ऑटो मैकेनिक का काम स्टार्ट कर दिया। एक दूसरा व्यक्ति है जिसने बीटेक किया मैकेनिकल में और शायद काम वही कर रहा है ना, बड़े बड़े शोरूम्स में वहां पर भी वही काम कर रहे हैं,
मैकेनिकल इंजीनियर का। लेकिन अगर आप पहले वाले के फादर से पूछो या पेरेंट से पूछो कि आपका बेटा क्या करता है, तो बोलेगा जी करना क्या है जी, पढ़ा लिखा है नहीं, घर से भाग गया और बस कर रहा है अपना दाल रोटी का जुगाड़ कर रहा है। दूसरे तो पूछेगा तो बोलेगा बीटेक है सर, मेरा बेटा बीटेक है, काम दोनों एक बराबर कर रहे हैं। हो सकता है पहला वाला पैसा भी ज्यादा कमा रहा हो, पर एक वो जो रिस्पेक्ट है वो शायद नहीं मिल गया, तो वही हम दिलाने की कोशिश कर रहे थे। और जब मैं 2011 में अकेडमिक्स में आया, मैंने शोली यूनिवर्सिटी ज्वाइन की 2012 के अंदर, तो 2012 में डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छे दौर से गुजरने गई थी। और मुझे ये समझ में आया कि लोगों ने बोला कि भाई अगर अकेडमिक्स में रहना है तो पीएचडी करनी पड़ेगी, मैंने कहा यार चलो पीएचडी कर लेंगे। फिर बोला कि किस सब्जेक्ट में, तो उन्होंने बोला जिस चीज में पैशन हो आपका उसमें कर लीजिए, तो पैशन अपना डायरेक्ट सेलिंग में था। दूसरा रीजन ये था डायरेक्ट सेलिंग को पीएचडी करने का, क्योंकि उस लेवल तक सफलता नहीं मिली, तो मुझे लगा कि यार कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो गैप है, या तो इंडस्ट्री वैसी नहीं है जैसी बताई जाती है, या मेरे अंदर कुछ कमी रह गई। तो देखे तो सही कि कमी कहां पर है, गैप कहां पर है, सो आई वांटेड टू फाइंड आउट द गैप कि कहां रह गई कमी। तीसरा एक और रीजन था कि डायरेक्ट सेलिंग से फिर भी जुड़ा हुआ था उस समय भी, तो मुझे ये लगता था कि यार अगर पीएचडी इसमें स्टार्ट कर दूंगा तो लोग मुझे बहाना मिल जाएगा, कोई पूछेगा यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हो तो मैं बोलूंगा कि पीएचडी के काम के लिए जा रहे हैं, है ना। तो दो तीन कारण थे, लेकिन जब मैं रिसर्च के अंदर गया तो मैं आपको सच बताता हूं कि दुनिया में बहुत सारी चीजें होती है। रिसर्च का मतलब क्या है? रिसर्च का मतलब होता है सच की तलाश, सत्य की तलाश, और सत्य इस दुनिया में एक ही होता है, सच एक ही होता है, ट्रूथ एक ही होता है। तो जब मैंने रिसर्च में गया मैं, और इंडिया में तो बड़ी कम रिसर्च हुई थी, ना के बराबर, लेकिन बाहर कंट्रीज में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पीएचडी की थी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे थे। तो जब मैंने उनको पढ़ा तो मुझे बहुत सारी चीजें अलग समझ में आई कि जो चीजें दिखाई जाती थी डायरेक्ट सेलिंग उससे थोड़ी सी अलग है, क्योंकि जैसे ही हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं हम अपनी आंखों में हरे चश्मे लगाते हैं, हम बोलते हैं हमें डायरेक्ट सेलिंग में कुछ भी बुराई नजर नहीं आती। लेकिन ऐसा कुछ भी प्रोफेशन नहीं है जिसमें प्लस माइनस दोनों नहीं होते, स्ट्रेंथ भी होती है और वीकनेसेस भी होती है, और हमें दोनों को लेके चलना पड़ता है। तो कुछ चीजें थोड़ी सी ज्यादा समझ में आई जब रिसर्च करते करते, 6 साल की वो स्टडी थी। 2012 में ही मैंने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन IDSA को एक मेल लिखी थी कि डायरेक्ट सेलिंग ना सिर्फ आपका कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर आती है, बल्कि ये आपकी एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर भी आनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन के जरिए ही हम जो अवेयरनेस लेवल है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रति उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो एक कोर्स स्टार्ट किया पहले, बहुत सारा लंबा सफर रहा, 10 साल की तपस्या आप समझ लो। पहले एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स था, उसमें एक छोटा सा यूनिट होता था डायरेक्ट सेलिंग का, आहिस्ता आहिस्ता उसको पॉपुलैरिटी मिली। उसके बाद फिर मैंने डायरेक्ट सेलिंग का एक कोर्स स्टार्ट किया जो सिंपल कोर्स होता है, और फिर पूरी एक डिग्री स्टार्ट की। तो 10 सालों में ये काम किया, पिछले सालों में डिग्री स्टार्ट की थी। बहुत सारे कारण है डायरेक्ट सेलिंग के जिसकी वजह से उस स्तर तक नहीं पहुंची। अगर हम 140 करोड़ जनता की बात करें तो इस समय हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ऊपर होना चाहिए था, लेकिन अभी भी अगर 20,000 करोड़ के आसपास करता है तो बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, जहां की US 2.5 लाख करोड़ कर रहा है, राइट। परसेप्शन कम है, अनस्ट्रक्चर्ड है थोड़ा सा, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे बड़ा कारण डायरेक्ट सेलिंग को वहां पहुंचने तक रोकने के लिए पुअर परसेप्शन है, और उससे पुअर परसेप्शन किस लिए है, क्योंकि बहुत सारी फ्रॉडुलेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग बनके काम करती है और बोलती है कि हम डायरेक्ट सेलिंग है, और एक आम आदमी को पता नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग और कौन सी स्कीम में क्या फर्क है। अगर हम आगे बात करें, सेट्सा का विजन क्या था, हम ये सेट्सा हमने स्टार्ट क्यों किया, हमने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग को एक डिग्निफाइड सॉर्ट आफ्टर प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, एक ऐसा प्रोफेशन जिसमें अपने जो फादर है या पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को गर्व से बोल सके कि ये मैं इसको डायरेक्ट सेलर बनाना चाहता हूं, राइट। और 2030 तक हम ये करके रहेंगे। मिशन स्टेटमेंट्स क्या है, मिशन स्टेटमेंट्स में आपको बताता हूं सेट्सा की है, टू डेवलप रैशनल प्रॉफिटेबल डिस्ट्रीब्यूटर्स, एक ऐसा आदमी जो अपनी सोच समझ रखे, राइट, रैशनल प्रॉफिटेबल। अभी दोनों नहीं है उस हिसाब से जिस हिसाब से होने चाहिए ना, रैशनैलिटी का मतलब है जो ठंडे दिमाग से सोच समझ रखने की क्षमता रखता है, राइट।
और दूसरा टू क्रिएट अ साइंटिफिक प्रिडिक्टेबल प्रोग्रेशन पार्ट। डायरेक्ट सेलिंग में कौन सी कंपनी आप ज्वाइन करते हो, किस लीडर को ज्वाइन करते हो, जनरली आपके हाथ में नहीं होता है, वो एक्सीडेंटल होता है। लेकिन हम हर एक डायरेक्ट सेलर को एक ऐसा साइंटिफिक प्रोग्रेशन पार्ट देना चाहते हैं जिसमें चल के वो कोई भी व्यक्ति इसमें सफल हो सके, राइट। तो ये हम विजन लेके चलते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के साथ हमने शुरुआत की, इसके कारण थे अवेयरनेस क्रिएट करना, लीडरशिप को डेवलप करना, क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं लीडरशिप डेवलपमेंट थोड़ी बंद सी हो गई है और लीडरशिप सर्च एंड डेवलपमेंट की जगह ये जो मॉडल बन गया है, ये बन गया है लीडरशिप सर्च एंड स्नैच। आज के दिन में चूहे बिल्ली वाला खेल चल रहा है, यहां से पकड़ लो वहां से पकड़ लो, पहले वीडियो आएगा इसका काला सर उसका काला सर, फिर आएगा मैंने ये कंपनी क्यों छोड़ी, थोड़े दिन में वही बोलेगा मैंने कंपनी में वापिस क्यों आया, है ना। उसमें क्या हो रहा है कि जो दूसरे लोग है, जो बाहर एक आदमी है जो ऑप्शन ढूंढ रहा है अपने लिए, एक अच्छी बुद्धि वाला आदमी, वो बोलता है यार ये तो कुछ ड्रामेबाजी इंडस्ट्री है ना, नेगेटिविटी आती है इंडस्ट्री के लिए। सो ये बहुत सारे रीजंस थे। और मैं आपको, हमने जो डिप्लोमा स्टार्ट किया था उसमें सभी, मैंने आपको बताया सभी ने सपोर्ट किया, सुरेंद्र वर्ष जी भी थे, वेद प्रकाश ओझा जी, दीपक जी बैठे हैं हमेशा सपोर्ट किया इन्होंने, हर्षवर्धन जैन साहब, रजत कुमार कर जी, सुरेखा भार्गव मैम, दीपल मैम, सिद्धार्थ सर, सुरेंद्र सर, वासुकले, जितने भी लोगों से हमने इंडस्ट्री में बात की सबने सपोर्ट किया। ये हमारा फर्स्ट बैच था, 30 सीटें थी जिसमें से हमने 26 सीट भरी और बहुत खुश थे हम सब कि खूब अच्छा गया। मैं आपको थोड़े से टेस्टिमोनियल दिखाता हूँ। सुमन सुंदर आप देहरादून से हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। सरिता नंदगिरी, सरिता नंदगिरी IIT चेन्नई और IISc बेंगलोर, जो हमसे ऊपर एक यूनिवर्सिटी है सिर्फ ऑल ओवर इंडिया, शून्य से ऊपर, वो है IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर, जो कि आइकॉनिक है। तो IIT चेन्नई और IISc बेंगलोर की गोल्ड मेडलिस्ट है। और इन्होंने देखो क्या लिखा है, इन्होंने लिखा कि आई हैव नो हेजिटेशन इन बिलीविंग दैट दिस कोर्स इज बाय फार द बेस्ट आई हैव गॉन थ्रू। तो कुछ ना कुछ हमने कंटेंट दिया होगा, राइट। शेख सुबानी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े सारे, ये हमारे डॉक्टर जानकी पटेल है। एक हमने कॉन्क्लेव की जिसमें हमने सारे के सारे टॉप शॉट्स को, उसमें सभी लोग थे जो आप आगे बैठ देख रहे हैं, लीडर्स इनमें से मैक्सिमम लोग वहां पर थे। और हमने वहां पर कोई ऐसे इवेंट नहीं था कि कोई बड़ा हो हल्ले वाला इवेंट था, सीरियस डिस्कशन का इवेंट था कि इस इंडस्ट्री को आगे कैसे लेके जाया जाए, और बहुत ही बढ़िया इवेंट रहा वो, और आप देख सकते हैं। हमने वहां पर गोल्डन रुद्राक्ष अवार्ड भी अनाउंस किए थे फर्स्ट। और ये जो अवार्ड है स्ट्रिक्टली उन लोगों के लिए जो इंडस्ट्री के लिए काम करें, ना कि कंपनी के लिए काम करें, राइट। तो इसमें आप देख सकते हैं हेम पांडे जी थे, दीपक बजाज जी थे, सुरेंद्र वत्स जी थे, समीर मोदी जी थे और रजत बनर्जी जी थे। तो इन पांच लोगों को हमने दिया था फर्स्ट एडिशन ऑफ गोल्डन रुद्राक्ष अवार्ड। इस बार भी हम करेंगे, तीन लोग फाइनलाइज हमने कर लिए, वो बाद में बताएंगे कौन। तो आपको क्या लगता है कि जब इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा, लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सर मैं 2 मिनट और लूंगा सुनिए, है ना, जब इतनी सक्सेसफुल ये प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा कंटेंट हमने डिलीवर किया, राइट। क्योंकि एक एंगल ऐसा है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, वो है रिसर्च का जो एंगल है, क्योंकि लोगों ने जो सच्चाइयां फाइंड किया, साइंटिस्ट जो बैठे हैं दुनिया में उन्होंने जो निकाली है अपने निष्कर्ष, उसके ऊपर बेस करके हम जब चीजों को निकालते हैं तो पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग है, जो कि बहुत ज्यादा एजुकेशन सिस्टम के अंदर नहीं डाला गया, राइट। तो कुछ अलग हमने तस्वीर प्रस्तुत की, लोग खुश भी हुए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सराहा इसको। आपको क्या लगता है कि ये प्रोग्राम सफल होना चाहिए था? इस बार नेक्स्ट ईयर हमारे पास 100 सीट थी, और अभी कोई मुझसे पूछ रहा था कि अपना इस बैच में कितने लोग हैं, तो आपको क्या लगता है कितने लोग होने चाहिए थे? 100 के 100। Yes. मुझे ऐसा लगता था कि यार ये तो मैं एक दिन में भर दूंगा, है ना। और मैं आपको बताता हूं कि इस साल हमारे पास एडमिशन आई 8, राइट। ये चैलेंज आया, 2 उसमें से यही बैठे हैं, संयम और नेहा। तो अब ये क्यों हुआ ऐसा, इसके कारण क्या था? कोर्स में कोई कमी है नहीं। या हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की कमी है जो डायरेक्ट सेलिंग को एजुकेशन में नहीं देखना चाहते, या हमें डायरेक्ट सेलिंग के अंदर विश्वास नहीं है? हम यहां पर 3-4 हजार लोग बैठे हैं, हमारे भी बच्चे कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, बीटेक करवाते हैं, बीए करवाते हैं, कुछ ना कुछ तो करवाते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन क्यों नहीं दिलवाते?
क्या विश्वास नहीं है इंडस्ट्री के ऊपर? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि देखो 10 साल से आज से 2 साल पहले सुरेंद्र जी से और आईडीएसए से मेरी इंटरेक्शन हुआ, उससे पहले 10 साल तक जो मैं काम कर रहा था किसी को पता भी नहीं था, किसी को कोई पता नहीं था कि कमल का कोई स्पॉट है, कोई पीएचडी की है, किसी ने डायरेक्ट चली में, किसी को कोई पता नहीं था, वो वैसे ही था कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, राइट? तो मैं और कई बार मैं खींचता था कि यार मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, राइट? तो क्या चैलेंजेस है मैं आपको बताता हूँ कि क्या चैलेंजेस है। वॉटर वॉटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। आप अपने मोबाइल में सर्च करना यूट्यूब में डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन, डायरेक्ट सेलिंग यूनिवर्सिटी, आपको शूली यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्टार्ट कर दिया के 500 वीडियो मिल जाएंगे, 100 वीडियो मिलेंगे आपको, कई कई हजार होंगे, 90,000, 1,00,000 व्यूज है वो चला तो हुआ है वीडियो तो खूब, और सारी दुनिया में वायरल हो रहा है। शूली यूनिवर्सिटी ने डिप्लोमा स्टार्ट कर दिया डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में पढ़ाई शुरू होगी, एडमिशन लेने वाला कोई नहीं है क्योंकि वो सोचते हैं कि यार ये तो हमारे को क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए तो ठीक है लेकिन करने के लिए नहीं, राइट? ओनली प्रमोटेड फॉर क्रेडिबिलिटी। और मैं आपको एक और इसकी खास बात बताता हूँ कि क्रेडिबिलिटी के लिए प्रमोट किया किसने किया, ज्यादातर पोंजी स्कीम में जो बेकार कंपनी है वो ज्यादा प्रमोट कर रही है, जो जेन्युइन कंपनीज है वो कुछ नहीं बोल रही है। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी कंपनीज ऐसी है, सुरेश सर के मंच का मान है, अदरवाइज मैं तो सीधा बोलता हूँ, राइट? बहुत सारी कंपनीज है 2-2 लाख रुपए की ज्वाइनिंग लेती है, वो बोलते हैं कि शूली में कोर्स स्टार्ट हो गया, कोर्स ही नहीं स्टार्ट हो गया, उन्होंने कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के हमारा एक प्रोफेसर ही स्पॉन्सर कर दिया, शूली गई। और अब वो भी बताते देखो जी, जिस यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स है उसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हमारे साथ है, वो बंदा भी खुश है, पता नहीं फ्री ज्वाइनिंग दी है या क्या दिया, हमारे को पता नहीं है, राइट? लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ इसमें, तो आप मना तो कर, मैंने उनको बताया, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और मैं आपको ये भी बताऊं बहुत बड़े आईएम से उन्होंने अपनी वो किया, तो कोई ऐसा नहीं है कि पैदल आदमी, बहुत अच्छे दिमाग वाले व्यक्ति है, लेकिन कर दिया स्टार्टअप। आप बता सकते हो कि आप गलत कर रहे हो यार, आप रोक थोड़ी सकते हो, आप सिर्फ जानकारी बता सकते हो। मैंने उनको बोला गलत कर रहे हो, बोलते यार मेरा तो लग गया भाई, मैं अपना तो निकाल के रहूंगा। आप रोक नहीं सकते, तो इसका एक ही तरीका है, अगर शूली में ही लोग गलत कंपनी, मैंने कहा यार मैं दुनिया में प्रचार कर रहा हूँ पोंजी स्कीम के, मेरी यूनिवर्सिटी में काम हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं उसमें? तो हम सिर्फ लोगों को, मेरे को यही समझ में आता है, अवेयरनेस इज द ओनली सॉल्यूशन, हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, राइट? और बहुत लोगों ने प्रमोट नहीं किया, मैंने आपको बताया वत्स सर ने एक बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट किया, जब हमारी एडमिशन नहीं हो रही थी मैंने वत्स सर को बोला कि सर क्या करें, इन्होंने बोला एक एपिसोड करते हैं, हमने एपिसोड कर दिया कि सेकंड बैच शुरू होने वाला है एडमिशंस ले लो, हमने 2 बच्चों को भी बुलाया जो जिन्होंने बताया कि कितना अच्छा कंटेंट हमें लगा, सब कुछ उन्होंने टेस्टिमोनियल्स दिए, तो वत्स सर के वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे हैं आपने कितने पैसे लिए, आपने स्पॉन्सर, लोगों को मतलब वैल्यू नहीं देखनी है कि आपको क्या भाई आपने क्या करना है, अगर वत्स सर को हमने पैसे दिए भी होते तब भी आपने क्या करना है, वत्स सर बता दूं मैं आपको सबको बता दूं कि आपने कितने पैसे दिए, तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारी क्या डील हुई थी, हमने वत्स सर को कभी एक चवन्नी भी नहीं दी है, एक चवन्नी भी नहीं दी है, हमेशा ये पूरे दिल से सपोर्ट करते रहे, लेकिन लोगों को और चीजों में ना उसने कभी एडमिशन लेनी होगी, ना उन्होंने कभी कोई कुछ और काम करना होगा, ना उन्हें एजुकेशन का मतलब समझ में आता है, आपको कितने पैसे मिले, ये तो स्पॉन्सर्ड है। एजुकेशन की बात करते हैं, दीपक सर ने बात की, बीएसआर बात की, कोर्सेज है, हम में से